हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। क्लास 10th का जो CBSE का सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, उसे उसका आज हम क्वालिफाइंग राउंड करेंगे जो कि 1 मार्क्स का, ठीक है। और आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम इवन नंबर इज, देखिए आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, रियल नंबर चैप्टर 1 का। मतलब प्राइम इवन नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो चलिए आते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट पे। तो सोल्यूशन चलिए देखते हैं क्या है। मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया ताकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो, वरना अगर मैं आप लोग के सामने लिखता तो शायद वीडियो 10-20 सेकेंड लंबी बन जाती है, और 10-20 सेकेंड भी आप लोग के लिए बहुत मायने हैं इस समय। तो चलिए देखते हैं मतलब टोटल प्राइम फैक्टर इवन नंबर के टोटल नंबर फैक्टर कितने होंगे। तो देखिए जैसा कि मैं पता है प्राइम इवन नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद, ठीक है। तो जो प्राइम इवन का फैक्टर होगा कितने होंगे, 2। 2 कैसे, एक 1 होगा जो 1 किसी के टेबल में आ जाता है, और एक इटसेल्फ मतलब वो खुद होगा। तो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन इस चले बुक में देखते हैं, तो जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।